हार्दिक पांड्या के लिए साल 2019 अच्छा नहीं रहा, बेहद खराब रहा उनके लिए। खराब इसलिए भी क्योंकि चोट लग गई उन्हें और चोटिल हुए, रिकवरी में गए और रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो अब फिट हो गए हैं, वापसी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हार्दिक आप बताइए कि वर्ल्ड कप में जो हमने इस बार 2019 में जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ वहां पर हम हार गए, इसके पीछे का कारण क्या था? तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि गेंदबाजी बहुत बड़ा फैक्टर था और कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट हम सब लेके चल रहे थे और हम लगातार 5 मैचेस जीते, उसके बाद हम सेमीफाइनल में हार गए। वहां पर कुछ ना कुछ कमी थी और जैसा कि विराट कोहली जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं उन्होंने खुद कहा था कि अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के वो आधा घंटा छोड़ दीजिए जो आधे घंटे हम हारे हैं, उस बीच में जो विकेट्स गिरी हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी लेट गए उसके बाद भी हम हार गए, बहुत ज्यादा विवाद उठा कि महेंद्र सिंह धोनी आखिर क्यों गए 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने, क्यों वो पहले नंबर पर तीसरे नंबर या चौथे नंबर या 5वें नंबर तक भी बल्लेबाजी करने आते तो बेहतरीन मजा आता। लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये सब हो गया और इसी बीच उनको चोट लग गई। अगर मैं बात करूं तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज से बाहर रहे, T20 में भी नहीं खेले, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज से बाहर रहे, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज से बाहर रहे, 3 सीरीज से लगातार बाहर रहे। अब इंडिया ए में उनका सिलेक्शन हो गया है, हार्दिक पांड्या जो है वो इंडिया ए में सेलेक्ट हो गए हैं। फरवरी में जो फेब में टीम इंडिया न्यूजीलैंड जाएगी दौरे पर, उसमें टीम इंडिया ए के टीम में हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन हो चुका है। इसी टीम में पृथ्वी शॉ का भी सिलेक्शन हुआ जो 8 महीने की डोपिंग बैन से जूझ रहे थे और उनका भी बैन खत्म हुआ 8 महीने का। तो अब हार्दिक पांड्या तैयार है पूरी तरीके से, वो जाएंगे अब न्यूजीलैंड, इंडिया ए की टीम में शामिल हो चुके हैं हार्दिक पांड्या। और अब देखना यह होगा कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम उनको देखा गया नेट्स पर वो पसीना भी बहा रहे थे, शॉट्स भी लगा रहे थे, बल्लेबाजी भी कर रहे थे, वापस से ट्रेनिंग कर रहे थे और गेंदबाजी की भी पूरी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या एक तरीके से बिल्कुल फिट हो गए और एक तरीके से अब वो पूरा तैयार है कि टीम में वो वापसी करें और कहीं ना कहीं अब हमें देखने को जल्द मिलेगा, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है वो फरवरी दौरे में जब टीम इंडिया जाएगी न्यूजीलैंड तो वहां पे इंडिया ए के साथ जाएंगे और उसके बाद देखते हैं अगर उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ तो वर्ल्ड कप में भी चांसेस मिल सकते हैं उनको टीम 11 में खेलने का। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स।